एवरीवन, मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नान की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नान बनाने के लिए पहले हम आटा लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। इसमें हम हाफ कप पानी डाल देंगे। अगर इसका ml देखें तो 125 ml है। पानी इतना गर्म होना चाहिए जितना कि उसमें हम अपनी फिंगर डालें तो फिंगर जले ना। और यहाँ साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून चीनी लिया है। ये पीसी हुई चीनी है, आप यहाँ पे खड़ी चीनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पीसी हुई चीनी जल्दी घुल जाता है। मैंने जिस स्पून से चीनी का मेजरमेंट किया है, इसे ग्राम में देखें तो ये 20 ग्राम के करीब है। अब यहाँ पे मैं ड्राई ईस्ट डाल दे रही हूँ, ये मैं 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर इसका वेट देखें तो ये 15 ग्राम के करीब है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करना जरूरी है, अगर आप मिक्स नहीं करेंगे अच्छे से तो आपके ईस्ट एक्टिव नहीं होंगे। अब इसे ढक के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए 5 मिनट हो गया है, इसे खोलकर चेक करते हैं। तो ये देखिए एकदम बबल की तरह दिख रहा है, तो मतलब कि हमारा ईस्ट अच्छे से एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पे मैं मैदा डाल रही हूँ, ये 3 कप है। अगर इसे वेट में देखें तो 390 ग्राम के करीब है। 5-10 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, इससे आपके नान खराब नहीं होंगे। और यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल दे रही हूँ। इसे ग्राम में देखें तो ये भी 20 ग्राम है। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैं दही डाल दे रही हूँ। ये फ्रेश दही है, ये 3 टेबल स्पून है। मैंने जो भी मेजरमेंट किया है सारे एक ही स्पून से किया है। यहाँ पे मैं ऑयल डाल दे रही हूँ, ये भी 3 टेबल स्पून है। अगर ml में देखें 45 ml के करीब है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो गया है। तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका डो तैयार कर लेंगे। हमें इसका डो टाइट नहीं लगाना है, जिस तरह से हम भटूरे का डो लगाते हैं बस उसी तरह से लगाना है। ये देखिए हमारा आटा गूंध गया है। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगाकर इसे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। तो ये देखिए मैंने 1 गिलास पानी लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी बच गया है। 1.5 घंटा हो गया है, चलिए खोलकर चेक करते हैं आटे को। तो ये देखिए एकदम अच्छे से ये एक्टिव हो गया है और आटा एकदम ऊपर तक फूल गया है। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अगर आप भी नान बनाएंगे तो आपके भी नान एकदम सॉफ्ट बनेंगे और ब्रेड की तरह स्पंजी बनेंगे। तो देखिए हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं यहाँ पे स्लैब पे आटा को डस्ट कर दे रही हूँ, जिससे कि हमारा डो चिपके ना। इसके ऊपर हम अपने डो को रख देंगे और इसे अच्छे से हाथों से फैला लेंगे और इसे बराबर बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे नाइफ की मदद से। ये देखिए तो 390 ग्राम में 8 नान बनेंगे और इसकी साइज भी बड़ी बड़ी है। अब एक पार्ट को लेंगे और इसे अंदर की ओर इस तरह से रोल करते हुए इसे गोल सा शेप दे देंगे। ये देखिए इसी तरह से सारा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा सारा पेड़ा तैयार हो गया है, इसे एक प्लेट में रख देते हैं। ये देखिए अब एक पेड़े को लेंगे और जहाँ हमने आटा को फैलाया था उसी के ऊपर उस पेड़े को रखकर और हाथ से उसे दबाते हुए फैलाएंगे और बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। हमें इसे बहुत पतला नहीं बेलना है। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है। बता देती हूँ कि मैंने कितना मोटा बेला है। तो देखिए बस इतना ही मोटा बेलना है हमें। तो इसी तरह से हम सारा बेल लेंगे। तो हमने सारी पूरी रोटियों को बेलकर तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे हम सेकने के प्रोसेसिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है, आप पैन या तवा कुछ भी ले सकते हैं। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तब हम इसमें अपने नान को डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। ऊपर से ये देखिए बबल की तरह हल्के दिख रहे हैं, तब इसे हम पलट लेंगे। और इसे फिर से पलट देंगे और इस स्पैचुला की मदद से हल्के हाथों से इसे दबाते रहेंगे। ध्यान रखिएगा हल्के हाथों से ही दबाना है। जब ये दोनों तरफ से थोड़े सेक जाएंगे तो गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। स्पैचुला की मदद से दबाते हुए इसे फुला लेंगे। तो देखिए कितने बलून की तरह हमारे नान फूले हैं और इसका कलर भी देखिए कितना सुंदर सा आया है। तो कितना आसान है बनाना। तो मैं इसी तरह से एक और आपको बनाकर दिखा देती हूँ।
यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमारे यहाँ पे सारे के सारे नान बनकर तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और फुले फुले बने हुए हैं। तो आप इसके ऊपर से घी या बटर कुछ भी लगा लें, जो भी पसंद हो। तो आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।